ओके सो हेलो एवरीवन, टुडे वी गोइंग टू स्टडी द चैप्टर लाइट। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन हाई स्कूल। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसे एग्जाम में आते हैं एंड सम स्टूडेंट्स थिंक कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये, बट इट्स नॉट ट्रू बिकॉज दिस इज प्योरली अ कंसेप्चुअल चैप्टर। ठीक है, प्योर कॉन्सेप्ट पे ही रहता है। सो दैट मीन्स अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्लस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर फ्रॉम दिस चैप्टर, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वील ट्राई टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन। धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सिंपल एग्जांपल्स। ठीक है, आसान तरीके से पढ़ना है। रिमेंबर, हमें कॉम्प्लेक्सिटी घटानी है, इंक्रीज नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज द वर्क ऑफ द टीचर, जस्ट टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हेन वी स्टडी अबाउट लाइट, ठीक है, जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फिनोमेनास विच वी नीड टू स्टडी। ठीक है, कभी भी आप लाइट के बारे में पढ़ोगे, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फिनोमेनास विच यू नीड टू स्टडी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ ये जो रिफ्लेक्शन है, दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दी 8th स्टैंडर्ड। आप लोग पढ़ के तो आए हो, लेकिन मुझे 98% श्योर है, ठीक है, 98% श्योर है कि ये जो रिफ्लेक्शन चैप्टर आप पढ़ के आए हो ना, उसमें से आपको ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं होंगी। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर एवरीथिंग। मैं सारी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा स्टेप बाई स्टेप। सेकेंड चीज़ है रिफ्रैक्शन, दिस वुड बी टोटली न्यू टू यू। लेकिन जब आप इन दोनों को साथ में पढ़ोगे, कंपैरेटिव स्टडी, व्हेन वी विल डू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दीज टू टॉपिक्स, तो आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस के साथ साथ ये दोनों होते क्या हैं, आप ये भी समझ जाओगे। सो मैं वो उस तरीके से नहीं चलूंगा कि पहले मैं रिफ्लेक्शन पढ़ाऊं फिर उसके सारे टॉपिक्स, देन हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे देन उसके सारे टॉपिक्स। नो, वी डू कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का फायदा ये होगा कि एक ही साथ आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों है क्या और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू अ फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन का अगर हम सिंपल सा डायग्राम देखें, सो दिस इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। ये मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बना दी। नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि ये जो डायगोनल लाइंस हैं, व्हाट आर दे? दीज लाइंस इंडिकेट दैट दिस वन सर्फेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड। एक सर्फेस यहाँ पे पॉलिश्ड है, ठीक है, वन सर्फेस इज पॉलिश्ड एंड दीज लाइंस इंडिकेट दैट वन ऑफ द सर्फेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग साइड इज पॉलिश्ड। ये हमने एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बना दिया। नाउ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर। ओके, मार्क माय वर्ड्स, मैंने कहा है अ रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग द सरफेस एंड व्हाट डू वी कॉल दिस रे ऑफ लाइट? वी कॉल दिस एज इंसिडेंट रे। सो दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज अ रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। सो वी हैव दिस इंसिडेंट रे। नाउ अब मैंने आपको देखिए ये एक लाइन बना ली, इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ना, कि नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस लाइन इज, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी वर्ड इंपॉर्टेंट है टू डिफाइन नॉर्मल, बिकॉज किसी भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे यू वोंट बी एबल टू सी दिस लाइन, ये एक्चुअली आपको दिखेगी नहीं, बस इसको हम मान लेते हैं। सो दिस इज इमेजिनरी। सेकेंड, हाउ इट इज ड्रॉन। So the proper way is, it is always drawn at 90 degrees. इसको 90 degrees पे बनाते हैं। And we have a wonderful word for the 90 degree, that is perpendicular. So we cannot define what is a normal. It is an imaginary line which is always drawn perpendicular to the surface. Now after striking this mirror, the ray of light will bounce back. ठीक है, the ray of light will bounce back in the same medium. मीडियम क्या है, मीडियम चेंज होगा क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर इट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू सम मेजर टर्मिनोलॉजीज, यू कैन सी दैट देयर इज वन एंगल राइट हियर एंड वन एंगल राइट हियर। वी कॉल दिस एंगल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस and we call this one as the angle of reflection.
The question is, how can you define angle of incidence? So you can easily see that it is the angle between incident ray and the normal. So the angle between the incident ray and the normal is termed as angle of incidence. In a very similar fashion, you'll be able to define what is angle of reflection. It is actually the angle between normal and the reflected ray. I repeat again, it is the angle between normal and the reflected ray. And with the help of these terms, we can define the angle of incidence or angle of reflection. क्या होता है? आगे के लिए बस इतना याद रखिएगा कि reflection of light में light is bouncing back in the same medium. Difference क्या होगा? वो हम लोग आगे समझेंगे. But for the time being, just remember that in reflection of light, light strikes the mirror and bounces back into the same medium. So this is reflection. Now let's move on to the next topic, which is known as laws of reflection. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग laws of reflection पे. Okay, so the next topic is laws of reflection. There are actually two laws of reflection which we need to study. दो सिंपल से लॉज हैं जिनको अभी हम बहुत आसानी से समझेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट लॉ सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अभी अभी पढ़ा था. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट द बोथ एंगल्स आर ऑलवेज सेम. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे It states that the incident ray, reflected ray, and the normal, at the point of incidence, lies in the same plane. मतलब incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incidence, they all lie in the same plane. Let's try to understand them with the help of a diagram. ये वही डायग्राम है जिसको थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने देखा था. सो वी हैव द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस. वन साइड इज पॉलिश्ड. अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर. व्हाट डू वी कॉल इट इंसिडेंट रे. अर रे एन इमेजिनरी रे विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल. एंड अ रे विच बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. So this is reflected ray, this is incident ray, this is normal. We have this angle of incidence and we have this angle of reflection. The first law states that these two angles, these are same, that is angle of incidence is equal to the angle of reflection. And the second law says that this incident ray, this normal and this reflected ray, they all lie in the same plane. Okay, this is a very simple law. They all lie in the same plane. So these are the two laws of reflection. Now just now we studied everything about reflection. So it's time to understand कि ये refraction क्या होता है. ठीक है, मैं देखो यहाँ पे आपको comparative analysis कराऊंगा. Since reflection is very fresh into your mind, तो जब हम refraction अभी पढ़ेंगे यहाँ पे आप बहुत clearly उनमें differentiate कर पाओगे. So let's understand what is refraction and at the same time let's differentiate between these two entities. ठीक है, यहां पे हमने एक this is the line of separation. This line is actually the line of separation. And what does it separate? It separates two mediums. Suppose in this box this is medium number one and this is medium number two. ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है. ये कुछ इसी तरीके से है जैसे कि लाइक एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम वाटर है. सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एयर और वाटर दो सेपरेट मीडियम्स होता है. अब इन सेपरेट मीडियम्स में लाइट का क्या एक्शन होता है? सो इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टू दिस रिफ्रैक्टिंग सर्फेस वी कॉल दिस एज इंसिडेंट रे. इन अ वेरी सेम वे This line is known as the normal. अब हम ये देखते हैं कि light अगर straight line में travel करती हुई है तो देखिए इस line को कैसे जाना चाहिए. इस line को कुछ इस तरीके से जाना चाहिए. But the point is कि यहाँ पे light ऐसे travel नहीं करेगी. Because whenever the light travels from one medium to another medium, there is actually a change in path. मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसका रास्ता बदल जाता है.
और ये रास्ता दो तरीके से बदलता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस एंड द लाइट एक्चुअली बेंड्स, लाइट बेंड कर जाती है, मतलब ये लाइट कुछ इस तरीके से बेंड कर जाती है। सो दिस इज द ओरिजिनल पाथ, लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, बट सिंस द मीडियम हैज चेंज तो लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा एंड दिस इज द चेंज पाथ। ठीक है, ये वो बदला हुआ पाथ है जहां पे लाइट ट्रेवल करेगी। दिस रे इज नोन एज द इंसिडेंट रे, दिस रे इज नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे। नोट डाउन द स्पेलिंग, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अगेन दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस and this angle is the angle of refraction. Since we are studying refraction, so this is refracted ray and this angle is angle of refraction. ये था हमारा refraction. अब आप देखिए दोनों में difference क्या है, reflection और refraction. In reflection, light bounces back into the same medium, but in refraction, light enters into a different medium. In reflection, the angle of incidence was always equal to the angle of reflection, but it does not happen in refraction. You can easily see that since there is a change in path, so these two angles are not same. Although वो बात अलग है, कुछ ऐसी भी conditions होती हैं जहाँ ये हो सकता है, but उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? So this is the basic difference. In refraction, light changes the medium, but in reflection, light stays into the same medium. So this is the major difference between reflection and refraction. Now just like we studied laws of reflection in the topic of reflection, in a very similar way, refraction ke bhi kuch laws hote hain. Aur us laws ko hum kehte hain laws of refraction. So let's try to understand these two very simple laws of refraction. The first law of refraction. Ye ekdam same hai jaise humne reflection mein padha tha. Kya padha tha? The incident ray, the incident ray, reflected ray, here will be refracted ray and the normal at the interface of the two mediums will be in the same plane. The incident ray, the refracted ray and the normal at the interface of the two mediums will always remain in the same plane. Ye teeno दोनों मीडियम के इंटरफेस पे सेम प्लेन पे रहेंगे। ये कुछ मिलता जुलता था जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। अब इसका जो ये सेकेंड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकेंड लॉ इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, अब यहां से हमें देखने से समझ में आ रहा है कि स्नेल्स लॉ, स्नेल वॉज नोन, स्नेल वॉज इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये लॉ बनाया है, तो इसलिए इसका नाम स्नेल्स लॉ हो गया। अगर इंडिया में कोई ये लॉ बनाता तो उसका नाम ये संतोष लॉ, राजेश लॉ और अनिल लॉ, ऐसे नाम होते, लेकिन फॉरेन से बना है तो फॉरेन नाम हमें मिल रहा है। अगर मैंने ये लॉ बनाया होता तो उसका नाम शुभम लॉ होता, ठीक है? तो ये द नेम इंडिकेट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। आगे पढ़ते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ होता क्या है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज इन दिस चैप्टर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टॉपिक टू बी आज इन द एग्जामिनेशन इज वेरी हाई। काफ़ी ज़्यादा संभावना है इसकी एग्जाम में पूछे जाने की। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर होता क्या है। अगेन आई विल ड्राइंग द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड। आपने यहाँ देखा ना कि द पाथ चेंजेस, ये थोड़ी सी बेंड लाइट है, इसका ओरिजिनल पाथ चेंज हो गया इसीलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ इन ट्रिग्नोमेट्री यू ऑल हैव स्टडीड दैट देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड मेनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल वायरस क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, वायरस की खास बात होती है इट नीड्स अ होस्ट बॉडी, उसको होस्ट बॉडी चाहिए होती है तभी वो एक्टिवेट हो पाता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होता है एंगल, दे नीड एंगल, क्योंकि बिना एंगल के वो किसी काम के नहीं है।
तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन में उनको दो एंगल मिल जाते हैं, पहला एंगल मिलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल मिलता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दीज आर दी टू एंगल्स विच वी गेट इन रिफ्रैक्शन और इन्हीं दोनों एंगल्स को हम अटैच कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ. ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक होता है साइन थीटा. उनमें से एक होता है साइन थीटा. अब ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, लेकिन यहां पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, but for a condition, and the condition is for a given pair of medium. अब ये पूरा लॉ क्या बन जाता है? the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant for a given pair of medium. और इसी लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ. अब आप ये देखिए, घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम रखा जाता है, हम उसको जानवर के नाम से तो बुलाते नहीं हैं. इन अ वेरी सिमिलर वे यहाँ पे देखिए एक नया कॉन्स्टेंट आ गया है, एक नया बच्चा पैदा हुआ है, तो इस बच्चे का कुछ नाम रखना पड़ेगा और इस बच्चे का हमने नाम रख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका नाम रख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो हियर वी कैन कोरिलेट कि ये जो स्नेल्स लॉ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि स्नेल्स लॉ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक ही तरीके से नहीं डिफाइन किया जा सकता है, जैसे हमारे दो नाम होते हैं एक घर का एक बाहर का, उसी तरह ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी दो फॉर्मूले होते हैं. एक होता है एंगल के रिस्पेक्ट में, वेयर वी कैन सी दैट साइन आई टू साइन आर इज कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में. सो लेट्स राइट डाउन दैट फॉर्मूला और उस फॉर्मूले से देखते हैं क्या होता है. द सेकेंड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आर आई, इसको हम लोग ना एन से डिनोट कर सकते हैं या कुछ कुछ बुक्स में इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. अब जिस मीडियम की हम बात करेंगे उसी मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने इमेजिन कर लिया अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. एयर में उसकी स्पीड हमें पता है, हमें वाटर में उसकी स्पीड पता है, इन दोनों के रेशियो से वी गेट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड दैट कॉन्स्टेंट विल बी नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम. और ये मीडियम कौन सा था? ये था वाटर. तो यहाँ पे जिस भी मीडियम की हम बात करेंगे उसी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा. ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम. सो वी हैव जस्ट अंडरस्टूड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. पहला तरीका इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, दूसरा तरीका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअली द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. आखिर ऐसा क्या होता है लाइट में कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसका रास्ता बदल जाता है. सो दिस मीन्स कि क्या ऐसा होता है लाइट में कि व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स पाथ चेंजेस. साधारण शब्दों में समझा जाए तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. When light travels from one medium to another medium,
इट्स स्पीड चेंजेस. इसका ये मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स एंड दैट इज व्हाई व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. और क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती है तो उसका रास्ता बदल जाता है. रास्ता बदल जाता है तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज that the speed of light is different in different mediums and that is why when it travels from one medium to another medium it changes its path which leads to refraction of light. So this is the most simplest way. अच्छा एक चीज हम लोगों की बची हुई है अभी, मैंने आपको कहा था ये जो bending होती है ना ये भी एक तरीके से होती है, तो उस तरीके को हम लोग पढ़ लेते हैं. देखिए जब भी हम mediums की बात करते हैं तो दो टाइप के medium होते हैं, एक होता है rarer medium और दूसरा होता है denser medium. ठीक है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी. सो जिस भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी दैट विल बी अ रेयर मीडियम और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी दैट विल बी अ डेंसर मीडियम. अब देखते हैं क्या होता है जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए. देखिए when light travels from a rarer medium to a denser medium it always bends towards the normal. मतलब जैसे ही light rarer से denser medium में जाती है वो normal के तरफ bend हो जाती है. और इसी का opposite when light travels from a denser to a rarer medium then it will bend away from the medium. इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा. सपोज दिस इज द लाइन ऑफ सेपरेशन, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. नाउ अ रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे. दिस विल बी नोन एज द नॉर्मल और ये वो रास्ता है जहां पे लाइट को जाना चाहिए. लेकिन लाइट ऐसे जाएगी नहीं, लाइट तो अपना रास्ता बदल देगी. और ये देखिए लाइट कुछ इस तरीके से. नाउ इफ यू लुक क्लोजली ये बेंडिंग जो हुई है ना ये नॉर्मल की तरफ हुई है कि नॉर्मल से दूर हुई है. हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये बेंडिंग नॉर्मल की तरफ हुई है. दैट मींस व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. और इसी का उल्टा अब हम मान लेते हैं कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तब इसका बेंडिंग कैसा था? तब देखिए ओरिजिनल पाथ इसका ये हो जाएगा. लेकिन लाइट इस ओरिजिनल पाथ को तो जाती नहीं है, लाइट तो ऐसे बेंड कर रही है. अब यहां पे देखिए ये बेंडिंग जो है दिस इज एक्चुअली अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है. देन दैट मींस व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम द रे ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. हमने मीडियम्स के बारे में पढ़ा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा. वी अंडरस्टूड द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. वी ऑल्सो अंडरस्टूड वॉट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो इन दिस चैप्टर. बाकी की चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन.